बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेशो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन बवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मेरी जो एक वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ओमान डिफरेंस के अंदर एक आर्टिकल छाया हुआ है और इसके अंदर जो है लोगों से एक सवाल किया गया है कि क्या ओमान के अंदर जो नाइट जो लॉकडाउन है वो दोबारा लगाया जाए। तो इस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आर्टिकल है, इसी तरह का सेम आर्टिकल जुलाई के महीने में भी जब ये लॉकडाउन लगा था उस वक्त जो है छाया किया गया था ओमान डिफरेंस के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल के बाद जो है 4-5 दिन के बाद जो है ओमान का लॉकडाउन लग गया था। तो इस हवाले से अभी अभी आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर भी, इसके अलावा ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर भी ओमान स्प्रिंग कमेटी के ज़रिए एक आर्टिकल छाया हुआ और ये आर्टिकल छाया हुआ ओमान के लॉकडाउन के हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं ओमान के अंदर जो केसेस की तादाद है वो राइज होने लग गई है। जो केसेस ओमान के अंदर मई के महीने में, जून के महीने में आ रहे थे, वो अभी दोबारा से आने लग गए हैं। 800 प्लस जो है केसेस आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं, 1,00,000 से ऊपर ओमान के केसेस हो गए हैं। तो इसके पेश नज़र जो है ओमान स्प्रिंग कमेटी के ज़रिए ये फैसला आया है कि 11 अक्टूबर 2020 से लेके 24 अक्टूबर 2020 तक ओमान के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया। जी हाँ, ओमान स्प्रिंग कमेटी के ज़रिए फैसला आया कि 11 अक्टूबर 2020 से लेके 24 अक्टूबर 2020 तक ओमान के अंदर नाइट जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा। इसकी टाइमिंग भी उन्होंने बताई, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो है ये लॉकडाउन रहेगा। इसके अंदर जो शॉप्स हैं, इसके अंदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, तमाम जो मॉल्स हैं, वो तमाम चीज़ें क्लोज रहेंगी, ट्रैफिक वो क्लोज रहेगी और ये जज्वी तौर पर जो लॉकडाउन है दोबारा से लगाया गया ओमान स्प्रिंग कमेटी के ज़रिए। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात हुआ, लेकिन ये मेरी और आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। जो हुकूमत का फैसला है, ओमान स्प्रिंग कमेटी का फैसला है, उसको माने, उसका एहतराम करें और उसको लाजमी फॉलो करें, क्योंकि इस पे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जुर्माने भी हो सकते हैं, आप लोगों को सज़ाएं भी हो सकती हैं आरोपी की तरफ से। तो ये एक इस वक्त की अपडेट्स थी, मैंने कहा अपने भाइयों के साथ लाजमी शेयर करो और इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।